तो दोस्तों आज वोडाफोन आइडिया के शेयर में एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। सुबह में स्टॉक ने 10 रुपए का स्तर तोड़ दिया था और 9 रुपए का लो बनाया था, लेकिन अभी फिलहाल 10 रुपए के ऊपर है और 10-15 पैसे के आसपास काम कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या लेटेस्ट न्यूज चल रही है वोडाफोन आइडिया के बारे में और लास्ट में जानेंगे कि स्टॉक कैसा दिख रहा है। तो दोस्तों जो पहली खबर आई है वो ये है कि वोडाफोन आइडिया L&T के साथ मिलकर पायलट प्रोजेक्ट करने वाली है। उसमें 5G बेस्ड सिटी जो इनके सॉल्यूशंस होंगे उन पे वो टेस्ट करेंगे, जो कि इनको वोडाफोन आइडिया को 5G स्पेक्ट्रम अलॉट हुआ था गवर्नमेंट को के थ्रू, उसके थ्रू उसको यूज करते हुए ये 5G जो इनके नए नए सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, 5G का कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है उसको वो टेस्ट करेंगे और उसके ऊपर पायलट प्रोजेक्ट करेंगे दोस्तों। दोस्तों ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है वोडाफोन आइडिया के लिए, क्योंकि वोडाफोन आइडिया कोशिश कर रहा है कि नए नए रेवेन्यू खोजने की कोशिश करे ताकि आगे चल के उनका रेवेन्यू बूस्ट हो सके। जो इनका भी सिम का बिजनेस है कि सिम बेच के जो इनका वहां से आता है रिटेल से, उसके बजाय कहाँ कहाँ से 5G नेटवर्क का यूज करते हुए नए नए रेवेन्यू जनरेट करे जा सकते हैं, तो वोडाफोन आइडिया इसमें बहुत एक्टिव है और इसमें पूरी खोज करने की कोशिश कर रहा है। L&T का जो इनके साथ अब ये पायलट प्रोजेक्ट होगा जो इन्होंने करी है कोलैबोरेशन, दोस्तों ये एक पॉजिटिव न्यूज है वोडाफोन आइडिया के लिए। तो दोस्तों जो दूसरी न्यूज आई है वोडाफोन आइडिया के लिए वो ये है कि डॉट की तरफ से इनको लेटर आया है तीनों कंपनी को, जियो, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल को, ताकि उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन ले सके डॉट की। जो गवर्नमेंट ने AGR के ऊपर मॉरिटेरियम, जो भी आपका स्पेक्ट्रम रिलेटेड या जो भी मॉरिटेरियम प्रोवाइड किया है गवर्नमेंट ने कि आप 4 साल तक पेमेंट से अवॉइड कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड डॉट चाह रहा है क्लैरिफिकेशन मांगा है कि तीनों कंपनियों से कि क्या आप उस मॉरिटेरियम को लेंगे या नहीं। अगर आप मॉरिटेरियम लेते हैं तो उसमें आपको इंटरेस्ट पेमेंट करनी होगी 4 साल की, तो डॉट ने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन मांगा है और 10 दिन का समय दिया है दोस्तों। तो उम्मीद है कि एयरटेल और आपका वोडाफोन आइडिया दोनों ही आपकी मॉरिटेरियम चूज करेगा, क्योंकि दो एयरटेल का रहेगा कि एयरटेल क्या करता है, लेकिन चांसेस एयरटेल की भी बहुत है, लेकिन वोडाफोन आइडिया को तो लगता ही है कि दोस्तों वोडाफोन आइडिया तो चूज करेगा ही, क्योंकि वोडाफोन आइडिया को ही सबसे ज्यादा जरूरत है इस वक्त पैसे बचाने की, कैश फ्लो इंप्रूव करने की। तो आप हमारा उम्मीद है कि दोस्तों कि वोडाफोन आइडिया तो आपकी ये चूज करेगा ही आपका मॉरिटोरियम, और फिर अगर आप मॉरिटोरियम चूज करते हैं तो उसमें डॉट ने 3 महीने का समय भी दिया है, उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन भी मांगा है कि अगर आप मॉरिटोरियम चूज करते हैं तो जो इंटरेस्ट बनेगा आपका 4 साल का, क्या आप उस इंटरेस्ट को जो आपका इक्विटी में कन्वर्ट करना चाहेंगे या इंटरेस्ट पेमेंट ही करेंगे, तो इसके ऊपर भी डॉट क्लैरिफिकेशन मांगेगा अगर आप मॉरिटेरियम चूज करते हैं। डॉट ने 10 दिन का समय दिया है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो वैसे नॉर्मल चीज है, ये सभी को पता है कि मॉरिटेरियम होने वाला है क्योंकि आ चुका है ये सब, तो इसमें तो कोई अलग न्यूज नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो आपका ऑप्शन दिया डॉट ने क्लैरिफिकेशन मांगेगा कि इक्विटी शेयर्स में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी 3 महीने में आपको क्लैरिफिकेशन बताना होगा, तो वो एक थोड़ा पॉजिटिव थोड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगी कि वोडाफोन आइडिया की तरफ से उस चीज के ऊपर क्या क्लैरिफिकेशन आता है, क्या वो कहते हैं कि हम इक्विटी में कन्वर्ट करना चाहेंगे जो इंटरेस्ट बनता है 4 साल में या नहीं, या हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है, तो वो चीज इंपॉर्टेंट रहेगी। वरना जो आपका ये AGR मॉरिटोरियम का न्यूज है कि 10 दिन में आपको बताना है, इसका ऐसा कोई सिग्निफिकेंट न्यूज नहीं है ये, बस ये चीज है कि हाँ आपकी चीजें प्रोग्रेस हो रही है, जो भी टेलीकॉम सेक्टर के रिलेटेड पैकेज आया था गवर्नमेंट के थ्रू वो चीजें प्रोग्रेस हो रही है दोस्तों। तो जो तीसरी न्यूज है वोडाफोन आइडिया के लिए वो है कि खबर आ रही है, काफी न्यूज रिपोर्टर्स, काफी जो ऑनलाइन मीडिया हाउसेस है उनकी तरफ से रिपोर्ट आ रही है दोस्तों, सोर्सेस के थ्रू है, कोई ऐसी ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी नहीं आई है, कि वोडाफोन आइडिया आपका जल्दी ही 2-3 हफ्तों में 20,000 करोड़ रुपए जुटा सकता है दोस्तों। और ये 20,000 करोड़ रुपए कहाँ से जुटेंगे दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं जो सोर्सेज है दोस्तों, 7 से 8 हजार करोड़ रुपए आपके प्रमोटर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी वोडाफोन वोडाफोन ग्रुप जो कि UK का ग्रुप है और आदित्य बिरला ग्रुप, दोनों मिलकर करीब 7 से 8 हजार करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं वोडाफोन आइडिया कंपनी में। और बाकी का दोस्तों जो आपका 13-14 हजार करोड़ रुपए बनेगा वो उम्मीद है कि वो वहां से आ सकता है, जो कि बैंक गारंटी आपने वोडाफोन आइडिया ने दे रखी है। गवर्नमेंट ने बैंक गारंटी की रिक्वायरमेंट्स अपने रिलीफ पैकेज में घटाई थी, जो कि पहले 100% थी दोस्तों, वो कर दी थी 20%, यानी 80% का रिडक्शन किया था, जिसकी वजह से जो कि बैंक गारंटीज थी दोस्तों, डॉट हो सकता है कि 13 से 14 हजार करोड़ रुपए की बैंक गारंटीज वोडाफोन आइडिया को वापस कर दे, तो वहां से उम्मीद है कि वहां से वोडाफोन आइडिया को वो पैसा मिल सकता है और आपको प्रमोटर्स पैसा लगा सकते हैं 7 से 8 हजार करोड़ रुपए, जो कि कुल मिला के आपके 20 हजार करोड़ रुपए बन सकते हैं दोस्तों। तो एक ये न्यूज चल रही है मार्केट में जो कि सोर्सेस के अनुसार कि 2-3 हफ्ते में इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आ सकता है दोस्तों। इसी में दोस्तों एक जो और अपडेट दिया गया इंपॉर्टेंट वो ये है कि जो कि सोर्सेस के थ्रू ही है कि कंपनी जो कि आपकी फ्रेश राउंड ऑफ फंड इन्फ्यूजन है थ्रू एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स, यानी
वोडाफोन आइडिया कंपनी प्रमोटर्स के बजाय किसी और के थ्रू पैसा रेस करने का ऑप्शन जब वो ऑप्ट कर सकते हैं, जब ही चूज कर सकते हैं, जब यहाँ से कंपनी के शेयर प्राइसेस में थोड़ी इंप्रूवमेंट हो, मतलब यानी आपके आरपीयूज थोड़े बढ़े जिससे शेयर प्राइसेस बढ़े और वैल्यूएशन थोड़ा कंपनी का अच्छा खासा हो, जब भी कंपनी एक्सटर्नल फंडिंग यानी किसी थर्ड पार्टी को कंपनी में ला सकती है, वरना उसके बजाय अभी शायद कंपनी कंसिडर ना करे क्योंकि शेयर प्राइस अभी बहुत नीचे है। तो हो सकता है कि कंपनी यहाँ पे कंसिडर ना करे कि किसी थर्ड पार्टी को शेयर्स इशू करे जाए, हो सकता है कि प्रमोटर्स ही अभी पार्टिसिपेट करे फंड रेजिंग में दोस्तों। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है वोडाफोन आइडिया के लिए, क्योंकि जो भी शेयर्स प्रमोटर्स को इशू होंगे इस भाव पे, प्रमोटर्स कभी उन शेयर्स को नहीं बेचेंगे। लेकिन अगर वो थर्ड पार्टी को इशू होते हैं, जैसे आपके 10 रुपये में शेयर्स इशू हो जाते हैं थर्ड पार्टी में आपके 5-7 हज़ार करोड़ रुपए के, तो आप समझ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर आपका शेयर वोडाफोन आइडिया का 15 रुपये हो जाता है या 20 रुपये हो जाता है, तो उनके पास ऑप्शन हो सकता है कि हम यहाँ से निकल जाए कंपनी के शेयर्स में से और बाजार में बेच दे। लेकिन आपके प्रमोटर्स नहीं बेचेंगे, प्रमोटर्स को जितने भी शेयर मिलेंगे यहाँ से वो नहीं बेचेंगे, उनके पास सिक्योरली वो शेयर्स पड़ रहेंगे। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि कंपनी कंसिडर कर रही है, प्रमोटर्स कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ से अभी किसी थर्ड पार्टी को शेयर्स इशू ना करे जाए, सिर्फ हम ही शेयर्स लेके पैसा डाले कंपनी में। तो अब यहाँ से कंपनी के शेयर्स के बारे में बात करें, तो अभी फिलहाल स्टॉक का प्राइस 10 रुपये 20 पैसे के आसपास है दोस्तों। सुबह स्टॉक 10 रुपये के नीचे चला गया था, थोड़ी जो कि थोड़ी एक नेगेटिव चीज बन गई थी। स्टॉक जब तक आपका 11 रुपये तक ऊपर है दोस्तों, 11 रुपये के ऊपर काम कर रहा है, तो आपको जो टेक्निकल चार्ट है उस पर स्टॉक का जो बुलिशनेस रहेगी, स्टॉक पॉजिटिव रहेगा, स्ट्रांग रहेगा टेक्निकल चार्ट पे। लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि 11 रुपये के नीचे आ गया है, तो एक ही थोड़ी सी नेगेटिव चीज है। लेकिन नहीं, आपका जो 10 रुपये से 11 रुपये की भी रेंज है दोस्तों, वो भी एक सपोर्ट रेंज है दोस्तों स्टॉक के लिए। स्टॉक जब तक 10 रुपये के नीचे नहीं जा रहा है, आपका जो टेक्निकल चार्ट पे ट्रेंड है या आपका शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है स्टॉक का, वो नेगेटिव नहीं बनेगा, पॉजिटिव ही रहेगा जब तक स्टॉक 10 रुपये के नीचे नहीं जाता है। अगर 11 रुपये के ऊपर आ जाता है दोस्तों, तो वो एक पॉजिटिव चीज बन जाएगी। लेकिन अगर स्टॉक किसी वजह से 10 रुपये के नीचे चला जाता है यहाँ से, तो यहाँ से दोस्तों वो एक चीज नेगेटिव बन जाएगी शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए। तो वो चीज देखने वाली होगी कि स्टॉक यहाँ से कैसा चलता है, कहाँ जाता है। ऊपर में दोस्तों बात करें, तो ऊपर में जो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए, वो है आपका एक तो 12 रुपए की रेंज, क्योंकि 12 रुपए के ऊपर स्टॉक कहीं काफी बार गया है लेकिन टिक नहीं पा रहा है। उसके बाद जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है दोस्तों अभी फिलहाल स्टॉक के लिए, वो रहेगा 14 रुपए का। 14 रुपए दोस्तों, जब भी स्टॉक में बहुत 3 बार बहुत बड़ी तेजी आई है, उसमें 14 रुपए तक गया है दोस्तों, लेकिन उसके ऊपर कभी नहीं जा पाया। तो स्टॉक के लिए जरूरी होगा कि यहाँ से अगर कभी तेजी आती है स्टॉक में बहुत बढ़िया, तो 14 रुपए के ऊपर जाए और क्लोजिंग था और उसके ऊपर सस्टेन करे। और कोई अपडेट आता है तो दोस्तों उसके बारे में हम अगली वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यहीं तक थी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। धन्यवाद।